मेरे पास आया है पार्सल, मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है और उनका नाम है नेहा। और बल्कि मैंने अभी ये खोल के नहीं देखा है क्या है इसके अंदर। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बज गए हैं 10 और मैं भी मतलब नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब मुझे आज मेहरोली भी जाना है। मेहरोली क्यों जाना है? क्योंकि रियांश के स्कूल में जो मतलब प्रोग्राम है, क्रिसमस का प्रोग्राम है, उसके लिए कपड़े खरीदने, पहले तो मतलब स्कूल में टीचर्स ही अरेंज कर देती थी कपड़े, बट अब टीचर नहीं कर रही अरेंज इस साल से, पता नहीं क्या चक्कर हो गया है स्कूल का। तो अब मैंने एक दो जगह कॉल भी करी है, तो मतलब मतलब ड्रेस तो मिल गई है, बस मुझे जाना है और लेके आना है। और बस अब दोपहर में जाऊंगी, फिलहाल अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो भी आटा वगैरह गूंद दूंगी और बच्चे भी स्कूल चले गए सुबह सुबह, दीक्षा भी कॉलेज चले गई है। और तो ये देखिए मेरे पास आया है पार्सल, मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है और उनका नाम है नेहा। और बल्कि मैंने अभी ये खोल के नहीं देखा है क्या है इसके अंदर, मैं खोल के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और नेहा, थैंक यू सो मच मेरे लिए गिफ्ट भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। और नेहा ने ही मुझे मतलब 1K के लिए केक भेजा था, और उसी नेहा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। तो अब देखती हूँ क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी अनबॉक्सिंग करके कि इसके अंदर क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स, अब फटाफट आटा गूंध कर मैं खाना बना लेती हूँ और फिर मेहरोली भी जाना है। बल्कि मुझे उस शॉप का एड्रेस भी नहीं पता कि जहाँ मुझे जाना है, और मतलब मुझे किसी ने नंबर दिया था उसका, तो मैंने नंबर से ही मतलब ड्रेस कंफर्म कर ली। और फिर अब जाके पूछूंगी, एड्रेस देखूंगी कहाँ पर क्या है। तो देखो कहाँ पर है मेहरोली में। तो फ्रेंड्स, पहले कान्हा जी को खाना खिलाकर बाद में ही पापा को दूंगी। और खाने का जल्दी से, मैं भी जल्दी से लंच करके मार्केट का काम ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उससे पहले पहले मैं सोच रही हूँ कि मार्केट का काम ही ख़त्म हो जाए। वैसे मार्केट में ज़्यादा काम तो है नहीं, वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको कि मतलब बस एक ड्रेस ही लेके आनी है, बस वो भैया एड्रेस भेज देंगे मुझे जल्दी से जहाँ मेरी बात हुई है, और हम जल्दी से बस मैं और गौरव जल्दी चले जाकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ मेहरोली रियांश के लिए कपड़े लेने, मतलब मैं और गौरव जा रहे हैं, और सौरभ बना रहा है चाय। सुबह से हमारे घर में 4-5 बार तो चाय बन चुकी है। चलो भाई चलते हैं। गौरव नहीं आए अब तक, नीचे लाइब्रेरी में है। चलो तो फ्रेंड्स, हम निकल गए अब मेहरोली के लिए, और बिल्कुल हमारे घर के मतलब 10-15 मिनट की दूरी पर ही मेहरोली है और ये कुतुब मीनार। और यहाँ पर मतलब मेहरोली में काफी अच्छे अच्छे शोरूम भी है यहाँ पर। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं ड्रेस लेकर, रियांश की भी ड्रेस ले ली है वो रही, और बल्कि ड्रेस ऐसी तैब बिगड़ रखी है, उसके प्रेस करनी पड़ेगी तब जाके वो रियांश के मतलब अच्छी लगेगी। देखते हैं रियांश कल कैसा लगता है, रेडी होने के बाद मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि रियांश कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स, बच्चे आ गए हैं, अभी मैं बच्चों से ही अनबॉक्सिंग करवाऊंगी। आज बच्चों के दादा लेने गए हैं। कैची से खोल लो, कैची से खोल लो।
दिखाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। थैंक यू सो मच नेहा। पता नहीं आपको कैसे पता लग जाता है, और बल्कि मैंने ही सोचा था कि मैं ये भी खरीदूंगी। और ये देखिए, बेटा छोटा भी हो जाएगा ना ये तो। शाम और ये देखिए, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल पालक बनाऊं, और ये छत्ती से लेके आए पापा पालक, और दाल मैंने पहले ही भिगो दी है। बस मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं दाल उबाल दूं, क्योंकि फिर बाद में मैं कान्हा जी के लिए भी निकालूंगी और छोक फिर अलग अलग बनेगा, तो इस वजह से मैं बाद में छोक लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी खाली जीरे का ही छोक लगाऊंगी और इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, पालक को भी थोड़ा सा भून लूंगी और फिर दाल डालूंगी, फिर इसमें 2-3 सीटियां लगवा कर बाद में मैं छोक लगाऊंगी, मतलब कान्हा जी का निकाल कर फिर अपने में छोक लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज अवनी मेरी हेल्प कर रही है, बर्तन धो के रखे थे अवनी सारे, ये कि वो डिनर करने के बाद जो बर्तन होंगे वो खाली हुए मिलेगा अपने, है ना अम्मी? धीरे अम्मी, धीरे बेटा, बर्तन टूटते रहते। पता है हमको आज बहुत ठंड है, सिर्फ आदमियों के लिए ठंड है और सब लिए ठंड नहीं है। मैं तो अभी प्रेस करूंगी रसोई साफ करके। लग गई दीक्षा जिस काम के लिए आई थी, उसको पापा की हो गई है देंगे। ये लो पहले दे दो सर, आपका गेट भी नहीं है किचन में बंद कर। अगर मेरे यहाँ गेट होता ना, किचन गर्म हो जाती है। एकदम भिंडी के ऊपर गेट लगवाना है।
कल बच्चों का है स्कूल में, दिला देना कुछ खाने का। क्या क्या मांग रहे हैं? बेटा कल स्कूल में ही जाना है पिकनिक, वो ही है पार्टी है बस। ये देखो तुम बैग में बुक्स लेके जाओगे या ये लेके जाओगे? ये सबसे मुश्किल है। इतनी सारी रियांश, इतनी सारी चॉकलेट क्यों लाया? ये सबसे मुश्किल सामान है। तो फ्रेंड अब पता नहीं मम्मा कहाँ चली गई, कल मेरा फंक्शन भी है, चलो तो मम्मा को ढूंढते हैं। मम्मा तो मम्मा ये रही, मम्मा मुझे कब सुलाओगी? 9 बज गए, कल मेरा फंक्शन है। बेटा ये प्रेस के कपड़े देखे कितने सारे हैं। अरे यार दिखाओ, क्या कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो? ये देखो इतने सारे प्रेस के कपड़े पड़े हैं ना, ये सारे करके फिर सोऊंगी। ठीक है अब बस 1-1.5 घंटा रुक जा, 1-1.5 घंटा रुक जा। ठीक है फिर जो तेरे तैयारी है ना उसकी कपड़ों की वो भी मैं कर दूंगी। एक बार पन्नी में से कपड़े लेके आ, जाओ उसकी प्रेस करनी है। तो फ्रेंड्स मैं ये रेंट पे कपड़े खरीद के लाई थी रियांश के, जो आज फंक्शन पे पहनने हैं। सुबह मैंने धो दिए थे और अब इसको मतलब मैं प्रेस करके पूरा रेडी करके अभी रख दूंगी। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।